बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिन फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ आड़ू के शे की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको मैं बताती चलूँ कि आड़ू के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर, मिनरल्स, विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आड़ू खाने से हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आड़ू की मैं कटिंग कर लूँगी। आड़ू की कटिंग करने के लिए हम इसके जो छिलके हैं इसको रिमूव नहीं करेंगे। इसके छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, इसकी हम अफादियत को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ऐसे हमने पीसेस में आड़ू की कटिंग कर लेनी है। आड़ू को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। ब्लेंडर के जार के अंदर हम आड़ू को ऐड कर लेंगे। शेक को ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रीम का यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आड़ू क्योंकि तुर्श होते हैं इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ज़्यादा जाएगी। आइस क्यूब ऐड कर देंगे। 1 ग्लास फुल फैट दूध ऐड करेंगे। दूध बॉयल्ड होना चाहिए, कच्चा दूध आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आड़ू का शेक बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे प्रेजेंट करूँगी। आड़ू का मेरा शेक बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शामिल फूड किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने जुमान में रखें। आमीन।